आइए बच्चों आगे हम देखते हैं। जैसे हम बता रहे थे कि पाटा कैसे लगाया जाता है, तो पाटा जैसे ये होता है, यानी खेत को समतल कैसे किया जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे खेत को हम क्या कहते हैं, मिट्टी को समतल करने के लिए पाटा लगाया जाता है। तो पाटा इसलिए लगाया जाता है, जैसे हम इसके बाद में नर्सरी यानी धीरे धीरे इस पर हम बीज का छिड़काव करते हैं। तो आप सब देख रहे होंगे जैसे ये पाटा लगाया जा रहा है, यानी खेत को समतल किया जा रहा है। क्या हो रहा है, खेत को समतल किया जा रहा है अच्छे तरीके से। तो जैसे आप सब देख लीजिए, इसे हेंगा भी बोला जाता है। क्या लोकल भाषा में जैसे आप सब पढ़े होंगे पाटा या हेंगा किसे कहते हैं, तो ये होता है यानी धान को समतल करने के लिए, किसी खेत को समतल करने के लिए पाटा या हेंगा लगाते हैं अच्छी तरीके से। तो ऐसे हम खेत को समतल कर लेंगे, उसके बाद समतल करने के बाद हम बीज को ऊपर से छिड़काव कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर से छिड़काव कर देते हैं। तो जैसे 5 सेंटीमीटर आप सब देख रहे हैं, यानी 5 सेंटीमीटर इसमें पानी भरा जा रहा है। तो हमने आप सबको पहले, इसके पहले वाले वीडियो में आप सबको हमने बताया था कि 5 सेंटीमीटर अच्छी तरीके से पानी भरा। इधर आप सबको हम दिखा देते हैं अच्छी तरीके से, आइए कि पूरे खेत में अच्छी यानी 5 सेंटीमीटर पानी भरा गया। 5 सेंटीमीटर पानी भरा गया, उसके बाद इसमें बीज का भी छिड़काव किया जाएगा। तो हम बीज का छिड़काव अभी करेंगे, तो उसको भी आप सबको हम दिखाएंगे कैसे इसमें धान की नर्सरी अच्छी यानी बीज का छिड़काव कैसे, गांव के हमारे जो किसान होते हैं, हमारे गांव में जो खेती की जाती है, धान की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, उसके बारे में आप सबको अभी हम बीज का छिड़काव कैसे किया जाता है, इतना हमने आप सबको अच्छे से बता दिया कैसे खेत तैयार किया जाता है। और खेत तैयार करने के बाद कितनी बार निकाई गुड़ाई किया जाता है, किस दवा का प्रयोग करते हैं, कितने सेंटीमीटर पानी भरा जाता है। तो उसके बाद अभी हम जब बीज का छिड़काव करने वाले हैं, तो उसको भी आप सबको दिखाते हैं कि बीज का छिड़काव कैसे किया। अब आइए, हम आप सबको अभी बता रहे थे कि धान की नर्सरी यानी पूरा अच्छी तरीके से तैयार हो गया। अब इसमें देखते हैं कैसे बीज का छिड़काव किया जाता है। तो आप सब देख रहे होंगे कि इसमें बीज का छिड़काव कैसे किया जा रहा है अच्छी तरीके से, यानी बीज का छिड़काव कैसे हमारे गाँव के जो किसान लोग होते हैं, बीज का छिड़काव कैसे करते हैं। तो इसको आप सब ज़रूर अच्छे तरीके से देखें कि जैसे गाँव के किसान लोग बीज का छिड़काव कैसे करते हैं। इसमें आप सब देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर कम से कम इसमें पानी भरा गया, उसके बाद धीरे धीरे इसमें बीज का छिड़काव किया जाता है। किसका बीज का छिड़काव किया जाता है, जो हमारे यानी इसमें जो बुआई की जा रही बीज है 6444, इसके कौन से सीड है 6444 बीज का बुआई किया जा रहा है, जो कम से कम 90 दिन में तैयार होता है, यानी ट्रांसप्लांटिंग के बाद, क्या रोपाई करने के बाद। अब ये नर्सरी जो डाला जा रहा है, कम से कम बुआई के 20 से 25 दिन बाद इसमें तैयार होता है। यानी जैसे आप नर्सरी आज हमने डाल दिया 4 तारीख हो गया, तो 4 तारीख के कम आप समझ लीजिए 30 उस तारीख तक इसकी नर्सरी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो नर्सरी यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, बीज सैया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीज सैया बोला जाता है। तो नर्सरी जब तैयार हो जाती है, तो इसमें जमा हो, उसके बाद हम ले जाके इसको ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, यानी खेत में इसको ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, उसके बाद दूरी मेंटेन किया। तो हमने आप सबको इसलिए ये बताया कि जैसे जो शहर के बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कैसे धान की नर्सरी तैयार की जाती है, कैसे कितने सेंटीमीटर पानी भरा जाता है, कैसे गाँव के किसान लोग कैसे नर्सरी तैयार करते हैं। तो इसमें पहले इसकी निकाई गुड़ाई अच्छी तरीके से किया जाता है। निकाई गुड़ाई करने के बाद इसको कम से कम 2 से 3 दिन छोड़ देते हैं। 2 से 3 दिन इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि जो हमारे सॉइल एंड मृदा में जो इंसेक्ट रहते हैं और जो बीड रहता है, उसको नष्ट करने के लिए, और मृदा को अच्छी तरीके से उसमें हवा मिल सके, उसके बाद छोड़ देते हैं 2 से 3 दिन। कम से कम 4 से 5 बार निकाई गुड़ाई करते हैं, उसके बाद छोड़ दे क्यारी बना लेते हैं। तो क्यारी बनाने के बाद छोड़ देंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें क्या होता है, फिर जब हमें बीज सैया डालना होता है, तो उसके बाद हम खेत में पानी भर देते हैं। क्या होता है, खेत में जैसे हमारे ट्यूबवेल है या सरकारी जो भी पंप हमारे गाँव के किसान लोग जो प्रयोग करते हैं, उससे उसके द्वारा हम कम से कम 5 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं। कितने, 5 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं। ये सब आप देख रहे होंगे कि पानी कैसे आता है, हम आप सबको दिखा दे रहे हैं कि इसमें गांव के लोग किसान लोग पानी कैसे लाते हैं। ये देख लीजिए, जो गांव के किसान लोग ऐसे नाली बना देते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ ट्यूबवेल लगा देंगे, उसके बाद ट्यूबवेल के द्वारा धीरे धीरे इसमें पानी आता है। तो पानी आएगा, फिर इसको हम धीरे धीरे हम क्या होते हैं, नर्सरी आप सब देख रहे हैं अच्छी तरीके से कि नर्सरी मतलब नाली बनाया गया, इसमें पानी धीरे धीरे आता है। तो पानी आएगा खेत में, कम से कम 5 सेंटीमीटर पूरा अच्छे तरीके से पानी भर दिया जाता है। उसके बाद बीज का कम से कम छिड़काव एक बार हल्का सा करेंगे, फिर दोबारा फिर वही रिपीट किया जाता है, फिर दोबारा कम से कम धीरे धीरे, जिसे इसीलिए दो बार छोड़ते हैं कि अगर एक साथ ज़्यादा बीज छोड़ देंगे तो क्या एक साथ यानी एक जगह बीज ज़्यादा गिर जाएगा, इसीलिए दो बार कम से कम इसमें 2 से 3 बार बुआई करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जब बुआई करते हैं तो क्या इसमें जो दूरियाँ होती हैं मेंटेन बनी रहती है, तो दूरियाँ मेंटेन बनी रहती है। जैसे बीज अगर पास हो जाएगा, तो बीज पास हो जाएगा तो इसकी जो नर्सरी होगी उसमें रोग ज़्यादा लग जाएगा, यानी सट जाएगा, आपस में सट जाएगा, तो उसका विकास अच्छी तरीके से हवा नहीं मिल पाएगा, तो उसमें बीमारी लगने की संभावना अधिक हो जाएगी। जैसे धान की जो नर्सरी होती है, उसमें आप सबको पता होगा सबसे भयानक बीमारी खैरा रोग होता है। तो खैरा रोग इसी जो हमारी जो नर्सरी होती है इसी में लगता है। उसमें पत्तियाँ क्या होती है, हाली हाली धीरे धीरे क्या होती है, उसे झुलसने लगती है। क्या होती है, झुलसने लगती है, उसके बाद ब्लैक कलर के, उसके बाद ब्राउन कलर के धब्बे पड़ जाए, उसके बाद धीरे धीरे मर जाते हैं। तो इसीलिए इसमें थोड़ा दूरी मेंटेन बना के, यानी थोड़ा 1 सेंटीमीटर या
आधा सेंटीमीटर इसको कम से कम दूरी रखा जाता है, जिससे जो हमारी जो नर्सरी होती है अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। तो हमने आज आप सबको बताया कि हमारे गांव के जो किसान लोग होते हैं कैसे इसकी धान की नर्सरी कैसे यानी कैसे नर्सरी तैयार किया